राजस्थान में लगातार आपराधिक घटनाओं का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। बदमाश प्रवृत्ति के लोगों के हौसले इस प्रकार से बुलंद होते जा रहे हैं कि यहाँ पर हत्या और लूट सी घटनाएं आम बात हो गई। ऐसी ही घटना मंगलवार को पश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर जिले के कल्याणपुरा से सामने आई है, जिसमें एक ट्रक ड्राइवर की हत्या कर दी गई है और उसके बाद उसके परिजनों और समाज के लोगों सहित आसपास के लोगों में इस घटना के बाद भारी रोष का माहौल है और उन लोगों ने इसको लेकर विरोध प्रदर्शन भी शुरू कर दिया। क्या पूरी घटना है वो मैं आपको विस्तृत से जानकारी दूंगा, लेकिन उससे पहले बता दूं कि इस घटना को लेकर जिले की पुलिस वहां पर लगातार उन लोगों से समझाइश कर रही है और विरोध प्रदर्शन को लेकर लगातार उनका समझाइश का दौर जो है वो जारी है। दरअसल बाड़मेर जिले के जोधपुर से लगता कल्याणपुर कस्बा, उसमें रहने वाला तग्गा राम जो एक ट्रक ड्राइवर है और कल उसके ट्रक से वो चारा बेचकर उसके पास करीब लाख रुपए भी थे, ऐसी बात भी सामने आई है। इस दरमियान तग्गा राम अपने एक मित्र और कुछ अन्य लोगों के साथ और उसमें एक महिला भी शामिल थी, ऐसी भी बात सामने आई है। इन लोगों ने कल्याणपुरा से सीतली जाने वाले मार्ग पर एक जो मकान था उस पर उन लोगों ने पार्टियां की हैं, वहां पर शराब की बोतलें भी मिली हैं, आटा भी मिला है और कुछ अन्य खाने पीने का सामान भी मिला है। रात को तकरीबन 12-1 बजे की यह घटना रही होगी और तग्गा राम जो ट्रक ड्राइवर है उसके हाथ पैर बंधे हुए मिले और सुबह जब लोग वहां से गुजरे तो तग्गा राम का शव सड़क किनारे दिखा, जिस पर लोगों ने कल्याणपुर पुलिस को इतला दी और पुलिस मौके पर पहुंची। जब ये बात पूरी क्षेत्र में फैली तो आसपास के लोग वहां पर भारी मात्रा में इकट्ठा हो गए और लोगों ने तुरंत प्रभाव से ये विरोध करना शुरू कर दिया कि इस घटना को किसने अंजाम दिया है। इस घटना के बाद पुलिस ने एक को राउंड अप भी किया है और ऐसा बताया जा रहा है कि पुलिस ने जिसको राउंड अप किया है वो महिला है और लोगों का सीधा तौर पर उन्होंने नामजद प्रकरण दर्ज करवाया है, मामला दर्ज करवाया है हत्या का। उसमें एक व्यक्ति का नाम लिखा है जो पहले भी आपराधिक घटनाओं में लिप्त पाया गया है। जिस प्रकार से पुलिस को रिपोर्ट पेश की है उसमें एक वक्ताराम नामक व्यक्ति का नाम उन्होंने लिखाया है। उन्होंने सीधा सीधा आरोप लगाया है कि वक्ताराम, कुछ अन्य लोग और एक महिला रात को इन लोगों ने पार्टी की है और उसके बाद कोई ऐसी बात हुई होगी जिससे यह हादसा हुआ है और इस घटना को अंजाम दिया है। और अब लगातार ये लोग मांग कर रहे हैं कि मुख्य आरोपी जो है उसको गिरफ्तार किया जाए, साथ ही पीड़ित परिवार को मुआवजा दिलाया जाए। इस मामले को लेकर बाड़मेर के एसपी दीपक भार्गव भी मौके के लिए रवाना हो चुके हैं और वहां पर बालोतरा के एएसपी नितेश आर्य सहित कल्याणपुर, समदड़ी, पचपदरा की पुलिस भी वहां पर लगातार लोगों से समझाइश कर रही है और वहां पर कई स्थानीय जनप्रतिनिधि भी पहुंच चुके हैं और लगातार ये मांग कर रहे हैं कि जिसने भी इस घटना को अंजाम दिया है उसे गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि जिस प्रकार से तग्गा राम का शव सड़क किनारे मिला है उससे साफ तौर पर जाहिर होता है कि उसके शरीर पर चोटों के निशान हैं और उसके हाथ पैर भी बंधे हुए मिले हैं।